संस्कार भारती के तत्वाधान में संस्था के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की स्मृति में रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग दुर्गाबाड़ी स्थित सभागार में यह अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन के आचार्य डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा, ललित कला संगीत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण, संस्कार भारती के राष्ट्रीय नाट्य प्रमुख रविशंकर खरे, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, हरिप्रसाद सिंह ने किया। प्रदर्शनी में कलाकारों ने प्रकृति, बचपन को बचाने, बाल श्रम, महाभारत युद्ध आदि चित्र प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में ऑनलाइन उपस्थित राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सीताराम कश्यप ने कहा कि जब कोई कलाकार हमें असमय छोड़कर चला जाता है, तब उसकी रचनाएं उसे जिंदा रखती हैं। प्रोफेसर हर्ष सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर राजीव केतन जैसे कलाकार बहुत कम मिलते हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी राजीव अपनी प्रतिभा से लोगों को मुरीद बना दिया। इसके पूर्व संध्या का ध्येय गीत नुपुर सरकारी, उर्वशी श्रीवास्तव, तनिष्का श्रीवास्तव, पूजा निषाद, अनु ऐश्वर्या आदि ने प्रस्तुत किए। महामंत्री प्रेमनाथ ने सभी अतिथियों का परिचय कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा। एग्जीबिशन जो कला उत्सव पर आधारित था, डॉक्टर राजीव केतन जी की स्मृति में था, और इसमें राज्य ललित कला एकेडमी के जो अध्यक्ष लखनऊ के, उन्होंने ऑनलाइन होकर वार्तालाप की, सबको शुभ संदेश दिया। इसमें करीब 38 देश के कलाकार थे और 575 आर्टिस्ट शामिल थे, जिनकी प्रदर्शनियों को वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? इसका मकसद यही है कि हम कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, उनकी प्रतिभा को निखारें, इसी यही कोशिश है।